विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इंदौर में जेल विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप पर बिजली की खपत कम करने सोलर पैनल का उपयोग किया गया है। जेल विभाग के आला अधिकारियों की माने तो ये पेट्रोल पंप प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप होगा जहां पर इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। इस पेट्रोल पंप का संचालन जेल विभाग के कर्मचारी और आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों द्वारा किया जाता है और वहां से प्राप्त आय का उपयोग जेल कर्मचारियों और उनके परिवार के कल्याण में होता है। हाँ, जो हमने अभी पेट्रोल पंप स्थापित किया है सेंट्रल जेल इंदौर में, वो एक तो पहले मध्य प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप है और हमारा उद्देश्य यह था कि हम अपने पेट्रोल पंप में ऐसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो इंदौर शहर के अन्य पेट्रोल पंपों में ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले तो हमने सोलर एनर्जी सिस्टम के माध्यम से हमने पेट्रोल पंप की जो लाइट हमारी जलती है जिसमें लगभग हमें 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से बिजली का बिल देना होता था, वो बिल ना देना पड़े और हम एक आधुनिक पेट्रोल पंप बना सकें, इसलिए हमने सोलर पैनल लगा के उसको सोलर एनर्जी से उसकी लाइट प्रकाश व्यवस्था की है। दूसरी, हमने उसमें एक नई व्यवस्था की है कि आपने देखा होगा कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और डीजल और पेट्रोल के भाव बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं बड़ी गाड़ियाँ बना रही हैं तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं। तो अधिकांश पेट्रोल पंप, मैं समझता हूँ कि इंदौर में मेरे जानकारी में तो नहीं है कि किसी पेट्रोल पंप में ईवी व्हीकल की व्यवस्था होगी। और इस बीच